सो हे गाइज, वेलकम बैक यार। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक और नई अपकमिंग मूवी को लेकर। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है आईपी मैन पाइप मूवी के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मूवी से रिलेटेड लीक्स, अपडेट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी से रिलेटेड और हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके मन में है और आप जानने के लिए इस वीडियो पे आए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लोगों को, आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं। और हम इस चैनल पर ऐसे नई नई मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विल्सन यिप। बात करें इस मूवी के यहाँ पर रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है एडमंड वुंग डाना फुकजावा ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है जिल युंग लाइन, चान ताइली, डाना और एडमंड ने। वहीं बात करें अगर हम इस मूवी के जो है यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल्सन यिप ने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के प्रोड्यूस को लेकर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रेमंड वोंग, विल्सन यिप, डोनी येन और प्रिंसेटन लोक ने। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की, तो दोस्तों इस मूवी के मेन लीड में हमें डोनी येन देखने को मिलते हैं जो कि आईपी मैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वहीं उनके साथ वु युई, वानेसु, स्कॉट एडकिंस, केंट चेंग, डेनी चान, नगोका नीन आदि कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक को लेकर। इस मूवी को म्यूजिक दिया है केंजी कवाय ने। बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफ को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को सिनेमाटोग्राफ किया है चेंग स्यू क्यूंग ने। बात करें इस मूवी के एडिट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को एडिट किया है च्यूंग का फाय ने। बात करें अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है मंदारिन मोशन पिक्चर्स और टिन टिन फिल्म प्रोडक्शंस। बात करें अगर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को वेल गो यूएसए जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इसे अमेरिका चीन के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी को रिलीज करेंगे। बात करते हैं इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी हांगकांग और चाइना का एक समायोजित कार्यक्रम है और इन दोनों देशों की इसमें भागीदारी है। बात करें इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर, तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें चाइनीज डायलेक्ट, कैंटोनेस, मंदारिन और इंग्लिश देखने को मिल जाती है। दोस्तों, आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या मैं इसे हिंदी में देख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश या चीनी आती नहीं है। तो दोस्तों, टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, आप लोगों को इसके प्रीक्वल्स पार्ट जैसे कि आईपी मैन 1, आईपी मैन 2, आईपी मैन 3, आईपी मैन 4, आईपी मैन 5 भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिले थे। और जो आईपी मैन 6 होने वाली है, ये मूवी भी आपको देखने को मिल, आईपी मैन 5 भी आपको देखने को मिलेगी।
तब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों, इस मूवी का बजट $50 मिलियन होने की आशंका है। तो वहीं बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी, ये बॉक्स ऑफिस पर तेलगा करने वाली है, जैसा कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली 4 फिल्में कर चुकी है। और दोस्तों, आईपी मैन का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, और यहाँ पे हम और आप दोनों को अंदाज़ा है कि अगर ये रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आराम से $500 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और सुपर डुपर हिट सिनेमा में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी को लेकर। दोस्तों, हैप्पी मैन 5 में हांगकांग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया है, जिन्होंने रेमंड वोंग जो कि फिल्म के लेखक भी हैं और डोनी येन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है, जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह आईपी फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंड मास्टर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों, हांगकांग और चीन के सह निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और जल्द इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी, और ये मूवी हमें हमारे नज़दीकी थिएटरों में देखने मैन पाइप मूवी के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मूवी से रिलेटेड लीक्स, अपडेट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी से रिलेटेड और हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके मन में है और आप जानने के लिए इस वीडियो पे आए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं, और हम इस चैनल पर ऐसी नई नई मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विल्सन यिप। बात करें इस मूवी के यहाँ पर रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है एडमंड वोंग डाना फुकजावा ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है जिल युंग लाइन, चान ताइली, डाना और एडमंड ने। वहीं बात करें अगर हम इस मूवी के जो है यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल्सन यिप ने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के प्रोड्यूस को लेकर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रेमंड वोंग, विल्सन यिप, डोनी येन और प्रिंसेटन लोक ने। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की, तो दोस्तों इस मूवी के मेन लीड में हमें डोनी येन देखने को मिलते हैं जो कि आईपी मैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वहीं उनके साथ वु युई, वानेसू, स्कॉट एडकिंस, केंट चेन, डेनी चान, नगोका नीन आदि कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक को लेकर। इस मूवी को म्यूजिक दिया है केंजी कवाई ने। बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफ को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को सिनेमाटोग्राफ किया है चेंग स्यू क्यूंग ने। बात करें इस मूवी के एडिट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को एडिट किया है च्यूंका फाइन ने। बात करें अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है मंदारिन मोशन पिक्चर्स और टिन टिन फिल्म प्रोडक्शंस,
बात करें अगर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को वेलगो यूएसए जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इसे अमेरिका चीन के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी को रिलीज करेंगे। बात करते हैं इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी हांगकांग और चाइना का एक समायोजित कार्यक्रम है और इन दोनों देशों की इसमें भागीदारी है। बात करें इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर, तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें चाइनीज डायलेक्ट, कैंटोनेस, मंदारिन और इंग्लिश देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या मैं इसे हिंदी में देख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश या चीनी आती नहीं है। तो दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप लोगों को इसके प्रीक्वल्स पार्ट जैसे कि आईपी मैन 1, आईपी मैन 2, आईपी मैन 3, आईपी मैन 4, आईपी मैन 5 भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिले थे, और जो आईपी मैन 6 होने वाली है ये मूवी भी आपको देखने को मिल, आईपी मैन 5 भी आपको देखने को मिलेगी। तब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों इस मूवी का बजट $50 मिलियन होने की आशंका है। तो वहीं बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये बॉक्स ऑफिस पर तेलगा करने वाली है, जैसा कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली 4 फिल्में कर चुकी है। और दोस्तों आईपी मैन का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, और यहाँ पे हम और आप दोनों को अंदाज़ा है कि अगर ये रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आराम से $500 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और सुपर डुपर हिट सिनेमा में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी को लेकर। दोस्तों आईपी मैन 5 में हांगकांग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया है, जिन्होंने रेमंड वोंग जो कि फिल्म के लेखक भी हैं और डोनी येन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है, जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह आईपी फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंड मास्टर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों हांगकांग और चीन के सह निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और जल्द इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी, और ये मूवी हमें हमारे नज़दीकी थिएटरों में देखने की मैन 5 मूवी के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मूवी से रिलेटेड लीक्स अपडेट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी से रिलेटेड और हर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके मन में है और आप जानने के लिए इस वीडियो पर आए। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं, और हम इस चैनल पर ऐसी नई नई मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विल्सन यिप। बात करें इस मूवी के यहाँ पर रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है एडमंड वोंग डाना फुकजावा ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है जी लियोंग लाइयन, चान ताइली, डाना और एडमंड ने। वहीं बात करें अगर हम इस मूवी के जो है यहाँ पे
डायरेक्शन को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल्सन यिप ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के प्रोड्यूस को लेकर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रेमंड वोंग, विल्सन यिप, डोनी येन और प्रिंसेटन लोक ने। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की तो दोस्तों इस मूवी के मेन लीड में हमें डोनी येन देखने को मिलते हैं जो कि आईपी मैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वहीं उनके साथ वू यूई, वाने सू, स्कॉट एडकिंस, केंट चेंग, डेनी चान, नगो कानिन आदि कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक को लेकर। इस मूवी को म्यूजिक दिया है केंजी कवाई ने। बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफ को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को सिनेमाटोग्राफ किया है चेंग स्यू क्यूंग ने। बात करें इस मूवी के एडिट को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को एडिट किया है च्यूंग का फैन है। बात करें अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज को लेकर तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है मंदारिन मोशन पिक्चर्स और टिन टिन फिल्म प्रोडक्शंस। बात करें अगर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को वेल गो यूएसए जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि इसे अमेरिका चीन के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी को रिलीज करेंगे। बात करते हैं इस मूवी की तो दोस्तों ये मूवी हांगकांग और चाइना का एक समायोजित कार्यक्रम है और इन दोनों देशों की इसमें भागीदारी है। बात करें इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें चाइनीज डायलेक्ट, कैंटोनेस, मंदारिन और इंग्लिश देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या मैं इसे हिंदी में देख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश या चीनी आती नहीं है। तो दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप लोगों को इसके प्रीक्वल्स पार्ट जैसे कि आईपी मैन 1, आईपी मैन 2, आईपी मैन 3, आईपी मैन 4, आईपी मैन 5 भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिले थे और जो आईपी मैन 6 होने वाली है ये मूवी भी आपको देखने को आईपी मैन 5 भी आपको देखने को मिलेगी। तब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों इस मूवी का बजट $50 मिलियन होने की आशंका है। तो वहीं बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये बॉक्स ऑफिस पर तेलगा करने वाली है जैसा कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली 4 फिल्में कर चुकी है। और दोस्तों आईपी मैन का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है और यहाँ पे हम और आप दोनों को अंदाजा है कि अगर ये रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आराम से $500 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और सुपर डुपर हिट सिनेमा में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी को लेकर। दोस्तों हैप्पी मैन 5 में हांगकांग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया है जिन्होंने रेमंड वोंग जो कि फिल्म के लेखक भी हैं और डोनी येन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह आईपी फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंड मास्टर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों हांगकांग और चीन के सह निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और जल्द इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी और ये मूवी हमें हमारे नजदीकी थिएटरों में देखने मैन 5 मूवी के ऊपर
और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मूवी से रिलेटेड लीक्स, अपडेट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी से रिलेटेड वो हर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके मन में है और आप जानने के लिए इस वीडियो पे आए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं और हम इस चैनल पर ऐसी नई नई मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विल्सन यिप। बात करें इस मूवी के यहाँ पे रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है एडमंड वोंग डाना फुकजावा ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है जिल यूंग लाइन, चान ताइली, डाना और एडमंड ने। वहीं बात करें अगर हम इस मूवी के जो है यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल्सन यिप ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के प्रोड्यूस को लेकर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रेमंड वोंग, विल्सन यिप, डोनी येन और प्रिंसेटन लोक ने। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की, तो दोस्तों इस मूवी के मेन लीड में हमें डोनी येन देखने को मिलते हैं जो कि आईपी मैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वहीं उनके साथ वु युई, वाने सु, स्कॉट एडकिंस, केंट चेंग, डेनी चान, नगो कानिन आदि कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक को लेकर। इस मूवी को म्यूजिक दिया है केंजी कवाई ने। बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफ को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को सिनेमाटोग्राफ किया है चेंग स्यू क्यूंग ने। बात करें इस मूवी के एडिट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को एडिट किया है च्यूंग का फैन है। बात करें अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है मंदारिन मोशन पिक्चर्स और टिन टिन फिल्म प्रोडक्शंस। बात करें अगर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को वेल गो यूएस से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इसे अमेरिका चीन के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी को रिलीज करेंगे। बात करते हैं इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी हांगकांग और चाइना का एक समायोजित कार्यक्रम है और इन दोनों देशों की इसमें भागीदारी है। बात करें इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर, तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें चाइनीज डायलेक्ट, कैंटोनेस, मंदारिन और इंग्लिश देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या मैं इसे हिंदी में देख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश या चीनी आती नहीं है। तो दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप लोगों को इसके प्रीक्वल्स पार्ट जैसे कि आईपी मैन 1, आईपी मैन 2, आईपी मैन 3, आईपी मैन 4, आईपी मैन 5 भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिले थे, और जो आईपी मैन 6 होने वाली है ये मूवी भी आपको देखने को मिल, आईपी मैन 5 भी आपको देखने को मिलेगी। तब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों इस मूवी का बजट $50 मिलियन होने की आशंका है। तो वहीं बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, तो दोस्तों
जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये बॉक्स ऑफिस पर तेलगा करने वाली है, जैसा कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली 4 फिल्में कर चुकी है। और दोस्तों, आईपी मैन का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है और यहाँ पे हम और आप दोनों को अंदाजा है कि अगर ये रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आराम से $500 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और सुपर डुपर हिट सिनेमा में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी को लेकर। दोस्तों, हैप्पी मैन 5 में हांगकांग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया है, जिन्होंने रेमंड वोंग जो कि फिल्म के लेखक भी हैं और डोनी येन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है, जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह आईपी फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंड मास्टर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों, हांगकांग और चीन के सह निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और जल्द इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी और ये मूवी हमें हमारे नज़दीकी थिएटरों में देखने की मैन पाइप मूवी के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मूवी से रिलेटेड लीक्स, अपडेट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके मन में है और आप जानने के लिए इस वीडियो पे आए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं और हम इस चैनल पर ऐसे नई नई मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विल्सन यिप। बात करें इस मूवी के यहाँ पे रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है एडमंड वोंग, डाना फुकजावा ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है जिल यूंग लाइन, चान ताइली, डाना और एडमंड ने। वहीं बात करें अगर हम इस मूवी के जो है यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल्सन यिप ने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के प्रोड्यूस को लेकर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रेमंड वोंग, विल्सन यिप, डोनी येन और प्रिंसेटन लोक ने। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की, तो दोस्तों इस मूवी के मेन लीड में हमें डोनी येन देखने को मिलते हैं जो कि आईपी मैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वहीं उनके साथ वु युई, वानेसू, स्कॉट एडकिंस, केंट चेंग, डेनी चान, नगोका नीन आदि कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक को लेकर। इस मूवी को म्यूजिक दिया है केंजी कवाय ने। बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफ को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को सिनेमाटोग्राफ किया है चेंग स्यू क्यूंग ने। बात करें इस मूवी के एडिट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को एडिट किया है च्यू का फैन है। बात करें अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है मंदारिन मोशन पिक्चर्स और टिन टिन फिल्म प्रोडक्शंस। बात करें अगर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को वेल गो यूएसए जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इसे अमेरिका चीन के साथ साथ
वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी को रिलीज करेंगे। बात करते हैं इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी हांगकांग और चाइना का एक समायोजित कार्यक्रम है और इन दोनों देशों के इसमें भागीदारी है। बात करें इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर, तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें चाइनीज डायलेक्ट, कैंटोनेस, मंदारिन और इंग्लिश देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या मैं इसे हिंदी में देख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश या चीनी आती नहीं है। तो दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप लोगों को इसके प्रीक्वल्स पार्ट जैसे कि IP Man 1, IP Man 2, IP Man 3, IP Man 4, IP Man 5 भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिले थे, और जो IP Man 6 होने वाली है ये मूवी भी आपको देखने को मिले, IP Man 5 भी आपको देखने को मिलेगी। तब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों इस मूवी का बजट $50 मिलियन होने की आशंका है। तो वही बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये बॉक्स ऑफिस पर तेलगा करने वाली है, जैसा कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली 4 फिल्में कर चुकी है। और दोस्तों आईपी मैन का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, और यहाँ पे हम और आप दोनों को अंदाजा है कि अगर ये रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आराम से $500 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और सुपर डुपर हिट सिनेमा में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी को लेकर। दोस्तों आईपी मैन 5 में हांगकांग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है, जिसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया है, जिन्होंने रेमंड वोंग जो कि फिल्म के लेखक भी हैं और डोनी यन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है, जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह आईपी फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है, जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंड मास्टर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों हांगकांग और चीन के सह निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और जल्द इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी, और ये मूवी हमें हमारे नजदीकी थिएटरों में देखने की मैन पाइप मूवी के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मूवी से रिलेटेड लीक्स, अपडेट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी से रिलेटेड और हर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके मन में है और आप जानने के लिए इस वीडियो पे आए। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं, और हम इस चैनल पर ऐसे नए नए मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विल्सन यिप। बात करें इस मूवी के यहाँ पर रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है एडमंड वोंग डाना फुकजावा ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है जिल युंग लाइन, चान ताइली, डाना और एडमंड ने। वहीं बात करें अगर हम इस मूवी के जो है यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल्सन यिप ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के प्रोड्यूस को लेकर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रेमंड वोंग, विल्सन यिप,
डोनी येन और प्रिंस एटन लोक ने। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की तो दोस्तों इस मूवी के मेन लीड में हमें डोनी येन देखने को मिलते हैं जो कि आईपी मैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वहीं उनके साथ वो यूई वानेसु स्कॉट एडकिंस केंट चेंग डेनी चान नगो कानीन आदि कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक को लेकर। इस मूवी को म्यूजिक दिया है केंजी कवाय ने। बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफ को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को सिनेमाटोग्राफ किया है चेंग स्यू क्यूंग ने। बात करें इस मूवी के एडिट को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को एडिट किया है च्यूंग का फैन है। बात करें अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज को लेकर तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है मंदारिन मोशन पिक्चर्स और टिन टिन फिल्म प्रोडक्शंस। बात करें अगर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को वेल गो यूएसए जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि इसे अमेरिका चीन के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी को रिलीज करेंगे। बात करते हैं इस मूवी की तो दोस्तों ये मूवी हांगकांग और चाइना का एक समायोजित कार्यक्रम है और इन दोनों देशों की इसमें भागीदारी है। बात करें इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें चाइनीज डायलेक्ट कैंटोनेस मंदारिन और इंग्लिश देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या मैं इसे हिंदी में देख पाऊंगा या नहीं क्योंकि मुझे तो इंग्लिश या चीनी आती नहीं है। तो दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप लोगों को इसके प्रीक्वल्स पार्ट जैसे कि आईपी मैन 1 आईपी मैन 2 आईपी मैन 3 आईपी मैन 4 आईपी मैन 5 भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिले थे और जो आईपी मैन 6 होने वाली है ये मूवी भी आपको देखने को आईपी मैन 5 भी आपको देखने को मिलेगी। तब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों इस मूवी का बजट $50 मिलियन होने की आशंका है। तो वहीं बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये बॉक्स ऑफिस पर तेलगा करने वाली है जैसा कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली 4 फिल्में कर चुकी है। और दोस्तों आईपी मैन का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है और यहाँ पे हम और आप दोनों को अंदाजा है कि अगर ये रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आराम से $500 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और सुपर डुपर हिट सिनेमा में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी को लेकर। दोस्तों हैप्पी मैन 5 में हांगकांग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया है जिन्होंने रेमंड वोंग जो कि फिल्म के लेखक भी हैं और डोनी येन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह आईपी फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंड मास्टर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों हांगकांग और चीन के सह निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और जल्द इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी और ये मूवी हमें हमारे नज़दीकी थिएटरों में देखने मैन 5 मूवी के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मूवी से रिलेटेड लीक्स अपडेट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी से रिलेटेड और हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके मन में है और आप जानने के लिए इस वीडियो पर आए।
लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं, और हम इस चैनल पर ऐसी नई नई मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विल्सन यिप। बात करें इस मूवी के यहाँ पर रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है एडमंड वुंग डाना फुकजावा ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है जिल युंग लाइन, चान ताइली, डाना और एडमंड ने। वहीं बात करें अगर हम इस मूवी के जो है यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल्सन यिप ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के प्रोड्यूस को लेकर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रेमंड वोंग, विल्सन यिप, डोनी येन और प्रिंसेटन लोक ने। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की, तो दोस्तों इस मूवी के मेन लीड में हमें डोनी येन देखने को मिलते हैं, जो कि आईपी मैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वहीं उनके साथ वु युई, वानेसू, स्कॉट एडकिंस, केंट चेन, डेनी चान, नगोका नीन आदि कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक को लेकर। इस मूवी को म्यूजिक दिया है केंजी कवाई ने। बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफ को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को सिनेमाटोग्राफ किया है चेंग स्यू क्यूंग ने। बात करें इस मूवी के एडिट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को एडिट किया है च्यूंका फाइन ने। बात करें अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है मंदारिन मोशन पिक्चर्स और टिन टिन फिल्म प्रोडक्शंस। बात करें अगर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को वेल गो यूएसए, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इसे अमेरिका चीन के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी को रिलीज करेंगे। बात करते हैं इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी हांगकांग और चाइना का एक समायोजित कार्यक्रम है और इन दोनों देशों की इसमें भागीदारी है। बात करें इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर, तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें चाइनीज डायलेक्ट, कैंटोनेस, मंदारिन और इंग्लिश देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या मैं इसे हिंदी में देख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश या चीनी आती नहीं है। तो दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप लोगों को इसके प्रीक्वल्स पार्ट जैसे कि आईपी मैन 1, आईपी मैन 2, आईपी मैन 3, आईपी मैन 4, आईपी मैन 5 भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिले थे, और जो आईपी मैन 6 होने वाली है ये मूवी भी आपको देखने को मिल, आईपी मैन 5 भी आपको देखने को मिलेगी। तब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों इस मूवी का बजट $50 मिलियन होने की आशंका है। तो वहीं बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये बॉक्स ऑफिस पर तेलगा करने वाली है, जैसा कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली 4 फिल्में कर चुकी है। और दोस्तों आईपी मैन का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है,
और यहाँ पे हम और आप दोनों को अंदाजा है कि अगर ये रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आराम से 500 मिलियन डॉलर का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और सुपर डुपर हिट सिनेमा में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी को लेकर। दोस्तों हैप्पी मैन 5 में हांगकांग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया है, जिन्होंने रेमंड वोंग जो कि फिल्म के लेखक भी हैं और डोनी येन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है, जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह आईपी फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंड मास्टर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों हांगकांग और चीन के सहनिर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और जल्द इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी और ये मूवी हमें हमारे नजदीकी थिएटरों में देखने मैन 5 मूवी के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मूवी से रिलेटेड लीक्स अपडेट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी से रिलेटेड वो हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके मन में है और आप जानने के लिए इस वीडियो पे आए। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं और हम इस चैनल पर ऐसी नई नई मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विल्सन यिप। बात करें इस मूवी के यहाँ पर रिटर्न को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है एडमंड वोंग डाना फुकजावा ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है जील यूंग लाइन चान ताइली डाना और एडमंड ने। वहीं बात करें अगर हम इस मूवी के जो है यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल्सन यिप ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के प्रोड्यूस को लेकर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रेमंड वोंग, विल्सन यिप, डोनी येन और प्रिंसेटन लोक ने। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की तो दोस्तों इस मूवी के मेन लीड में हमें डोनी येन देखने को मिलते हैं जो कि आईपी मैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वहीं उनके साथ वू युई, वाने सू, स्कॉट एडकिंस, केन चेंग, डेनी चान, नगो कानिन आदि कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक को लेकर। इस मूवी को म्यूजिक दिया है केंजी कवाई ने। बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफ को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को सिनेमाटोग्राफ किया है चेंग स्यू क्यूंग ने। बात करें इस मूवी के एडिट को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को एडिट किया है च्यूंग का फैन है। बात करें अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज को लेकर तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है मंदारिन मोशन पिक्चर्स और टिन टिन फिल्म प्रोडक्शंस। बात करें अगर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को वेल गो यूएसए जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि इसे अमेरिका चीन के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी को रिलीज करेंगे। बात करते हैं इस मूवी की तो दोस्तों ये मूवी हांगकांग और चाइना का एक समायोजित कार्यक्रम है और इन दोनों देशों की इसमें भागीदारी है। बात करें इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें चाइनीज डायलेक्ट कैंटोनेस
मंदारिन और इंग्लिश देखने को मिल जाती है। दोस्तों, आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या मैं इसे हिंदी में देख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश या चीनी आती नहीं है। तो दोस्तों, टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, आप लोगों को इसके प्रीक्वल्स पार्ट जैसे कि IP Man 1, IP Man 2, IP Man 3, IP Man 4, IP Man 5 भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिले थे, और जो IP Man 6 होने वाली है, ये मूवी भी आपको देखने को IP Man 5 भी आपको देखने को मिलेगी। तब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों, इस मूवी का बजट $50 मिलियन होने की आशंका है। तो वहीं बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, तो दोस्तों, जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी, ये बॉक्स ऑफिस पर तेलगा करने वाली है, जैसा कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली 4 फिल्में कर चुकी है। और दोस्तों, IP Man का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, और यहाँ पे हम और आप दोनों को अंदाज़ा है कि अगर ये रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आराम से $500 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और सुपर डुपर हिट सिनेमा में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी को लेकर। दोस्तों, IP Man 5 में हांगकॉन्ग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है, जिसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया है, जिन्होंने रेमंड वोंग, जो कि फिल्म के लेखक भी हैं, और डोनी येन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है, जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह आईपी फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है, जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंड मास्टर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों, हांगकांग और चीन के सह निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और जल्द इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी, और ये मूवी हमें हमारे नज़दीकी थिएटरों में देखने मैन पाइप मूवी के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मूवी से रिलेटेड लीक्स, अपडेट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी से डेट और हर इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो आपके मन में है और आप जानने के लिए इस वीडियो पे आए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं, और हम इस चैनल पर ऐसे नई नई मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विल्सन यिप। बात करें इस मूवी के यहाँ पर रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी को रिटर्न किया है एडमंड वोंग, डाना फुकजावा ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी को रिटर्न किया है जी ल्यूंग लाइयन, चान ताई ली, डाना और एडमंड ने। वहीं बात करें अगर हम इस मूवी के जो है यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर, तो दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल्सन यिप ने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के प्रोड्यूस को लेकर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रेमंड वोंग, विल्सन यिप, डोनी येन और प्रिंसेटन लोक ने। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की, तो दोस्तों, इस मूवी के मेन लीड में हमें डोनी येन देखने को मिलते हैं, जो कि IP Man का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वहीं उनके साथ वु युई, वानेसु, स्कॉट एडकिंस,
केन चेंग, डेनी चान, नगो कानीन आदि कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक को लेकर। इस मूवी को म्यूजिक दिया है केंजी कवाई ने। बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफ को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को सिनेमाटोग्राफ किया है चेंग स्यू क्यूंग ने। बात करें इस मूवी के एडिट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को एडिट किया है च्यूंग का फैन ने। बात करें अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है मंदारिन मोशन पिक्चर्स और टिन टिन फिल्म प्रोडक्शंस। बात करें अगर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को वेल गो यूएसए जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इसे अमेरिका चीन के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी को रिलीज करेंगे। बात करते हैं इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी हांगकांग और चाइना का एक समायोजित कार्यक्रम है और इन दोनों देशों की इसमें भागीदारी है। बात करें इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर, तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें चाइनीज डायलेक्ट, कैंटोनेस, मंदारिन और इंग्लिश देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या मैं इसे हिंदी में देख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश या चीनी आती नहीं है। तो दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप लोगों को इसके प्रीक्वल्स पार्ट जैसे कि आईपी मैन 1, आईपी मैन 2, आईपी मैन 3, आईपी मैन 4, आईपी मैन 5 भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिले थे, और जो आईपी मैन 6 होने वाली है ये मूवी भी आपको देखने को मिल, आईपी मैन 5 भी आपको देखने को मिलेगी। तब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों इस मूवी का बजट $50 मिलियन होने की आशंका है। तो वहीं बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये बॉक्स ऑफिस पर तेलगा करने वाली है, जैसा कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली 4 फिल्में कर चुकी है। और दोस्तों आईपी मैन का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, और यहाँ पे हम और आप दोनों को अंदाज़ा है कि अगर ये रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आराम से $500 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और सुपर डुपर हिट सिनेमा में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी को लेकर। दोस्तों आईपी मैन 5 में हांगकांग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया है, जिन्होंने रेमंड वोंग जो कि फिल्म के लेखक भी हैं और डोनी यन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है, जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह आईपी फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंड मास्टर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों हांगकांग और चीन के सह निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और जल्द इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी, और ये मूवी हमें हमारे नजदीकी थिएटरों में देखने की मैन पाइप मूवी के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मूवी से रिलेटेड लीक्स अपडेट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी से रिलेटेड वो हर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके मन में है और आप जानने के लिए इस वीडियो पे आए। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं, और हम इस चैनल पर ऐसे नए नए मूवीज लाते रहते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विल्सन यिप। बात करें इस मूवी के यहाँ पर रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है एडमंड वुंग, डाना फुकजावा ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है जिल युंग लाइन, चांद ताइली, डाना और एडमंड ने। वहीं बात करें अगर हम इस मूवी के जो है यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल्सन यिप ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के प्रोड्यूस को लेकर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रेमंड वोंग, विल्सन यिप, डोनी येन और प्रिंसेटन लोक ने। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की, तो दोस्तों इस मूवी के मेन लीड में हमें डोनी येन देखने को मिलते हैं, जो कि आईपी मैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वहीं उनके साथ वु युई, वाने सु, स्कॉट एडकिंस, केंट चेंग, डेनी चान, नगो कानिन आदि कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक को लेकर। इस मूवी को म्यूजिक दिया है केंजी कवाय ने। बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफ को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को सिनेमाटोग्राफ किया है चेंग स्यू क्यूंग ने। बात करें इस मूवी के एडिट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को एडिट किया है च्यू का फैन ने। बात करें अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है मंदारिन मोशन पिक्चर्स और टिन टिन फिल्म प्रोडक्शंस। बात करें अगर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को वेल गो यूएस है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इसे अमेरिका चीन के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी को रिलीज करेंगे। बात करते हैं इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी हांगकांग और चाइना का एक समायोजित कार्यक्रम है और इन दोनों देशों की इसमें भागीदारी है। बात करें इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर, तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें चाइनीज डायलेक्ट, कैंटोनेस, मंदारिन और इंग्लिश देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या मैं इसे हिंदी में देख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश या चीनी आती नहीं है। तो दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप लोगों को इसके प्रीक्वल्स पार्ट जैसे कि आईपी मैन 1, आईपी मैन 2, आईपी मैन 3, आईपी मैन 4, आईपी मैन 5 भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिले थे, और जो आईपी मैन 6 होने वाली है ये मूवी भी आपको देखने को मिले, आईपी मैन 5 भी आपको देखने को मिलेगी। तब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों इस मूवी का बजट $50 मिलियन होने की आशंका है। तो वहीं बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये बॉक्स ऑफिस पर तेलगा करने वाली है, जैसा कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली 4 फिल्में कर चुकी है। और दोस्तों आईपी मैन का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, और यहाँ पे हम और आप दोनों को अंदाज़ा है कि अगर ये रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आराम से $500 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और सुपर डुपर हिट सिनेमा में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी को लेकर। दोस्तों आईपी मैन 5 में हांगकांग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है, जिसका निर्देशन
विल्सन यिप ने किया है, जिन्होंने रेमंड वोंग जो कि फिल्म के लेखक भी हैं और डोनी येन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है, जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह आईपी फिल्म श्रृंखला की पांचवी फिल्म है जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंड मास्टर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों, हांगकांग और चीन के सह निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और जल्द इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी और ये मूवी हमें हमारे नजदीकी थिएटरों में देखने की मेन पाइप मूवी के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मूवी से रिलेटेड लीक्स, अपडेट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके मन में है और आप जानने के लिए इस वीडियो पे आए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं और हम इस चैनल पर ऐसे नए नए मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विल्सन यिप। बात करें इस मूवी के यहाँ पर रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है एडमंड वोंग, डाना फुकजावा ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है जिल युंग लाइन, चान ताइली, डाना और एडमंड ने। वहीं बात करें अगर हम इस मूवी के जो है यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल्सन यिप ने। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के प्रोड्यूस को लेकर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रेमंड वोंग, विल्सन यिप, डोनी येन और प्रिंसेस टन लोक ने। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की, तो दोस्तों इस मूवी के मेन लीड में हमें डोनी येन देखने को मिलते हैं जो कि आईपी मैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वहीं उनके साथ वु युई, वानेसु, स्कॉट एडकिंस, केंट चेंग, डेनी चान, नगोका नीन आदि कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक को लेकर। इस मूवी को म्यूजिक दिया है केंजी कवाय ने। बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफ को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को सिनेमाटोग्राफ किया है चेंग स्यू क्यूंग ने। बात करें इस मूवी के एडिट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को एडिट किया है चूंका फाइन ने। बात करें अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है मंदारिन मोशन पिक्चर्स और टिन टिन फिल्म प्रोडक्शंस। बात करें अगर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को वेल गो यूएसए जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इसे अमेरिका चीन के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी को रिलीज करेंगे। बात करते हैं इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी हांगकांग और चाइना का एक समायोजित कार्यक्रम है और इन दोनों देशों की इसमें भागीदारी है। बात करें इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर, तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें चाइनीज डायलेक्ट, कैंटोनेस, मंदारिन और इंग्लिश देखने को मिल जाती है। दोस्तों, आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या मैं इसे हिंदी में देख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश या चीनी आती नहीं है। तो दोस्तों, टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों, आप लोगों को इसके प्रीक्वल्स पार्ट जैसे कि आईपी मैन 1,
IP Man 2, IP Man 3, IP Man 4, IP Man 5 भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिले थे, और जो IP Man 6 होने वाली है ये मूवी भी आपको देखने को IP Man 5 भी आपको देखने को मिलेगी। तब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों, इस मूवी का बजट $50 मिलियन होने की आशंका है। तो वहीं बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये बॉक्स ऑफिस पर तेलगा करने वाली है, जैसा कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली 4 फिल्में कर चुकी है। और दोस्तों IP Man का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, और यहाँ पे हम और आप दोनों को अंदाज़ा है कि अगर ये रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आराम से $500 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और सुपर डुपर हिट सिनेमा में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी को लेकर। दोस्तों IP Man 5 में हांगकांग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया है, जिन्होंने रेमंड वोंग जो कि फिल्म के लेखक भी हैं और डोनी येन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है, जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह IP फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंड मास्टर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों हांगकांग और चीन के सहनिर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और जल्द इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी, और ये मूवी हमें हमारे नज़दीकी थिएटरों में देखने की मेन पाइप मूवी के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मूवी से रिलेटेड लीक्स अपडेट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी से डेट और हर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके मन में है और आप जानने के लिए इस वीडियो पे आए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं, और हम इस चैनल पर ऐसी नई नई मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विल्सन यिप। बात करें इस मूवी के यहाँ पर रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है एडमंड वोंग डाना फुकजावा ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है जिल युंग लाइन चान ताइली डाना और एडमंड ने। वहीं बात करें अगर हम इस मूवी के जो है यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल्सन यिप ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के प्रोड्यूस को लेकर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रेमंड वोंग, विल्सन यिप, डोनी येन और प्रिंसेटन लोक ने। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की, तो दोस्तों इस मूवी के मेन लीड में हमें डोनी येन देखने को मिलते हैं जो कि IP Man का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वहीं उनके साथ वु युई, वाने सू, स्कॉट एडकिंस, केंट चेन, डेनी चान, नगो कानिन आदि कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक को लेकर। इस मूवी को म्यूजिक दिया है केंजी कवाई ने। बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफ को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को सिनेमाटोग्राफ किया है चेंग स्यू क्यूंग ने। बात करें इस मूवी के एडिट को लेकर, तो दोस्तों
इस मूवी को एडिट किया है च्यूंग का फाई ने। बात करें अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है मंदारिन मोशन पिक्चर्स और टिन टिन फिल्म प्रोडक्शंस। बात करें अगर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को वेलगो यूएसए जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इसे अमेरिका चीन के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी को रिलीज करेंगे। बात करते हैं इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी हांगकांग और चाइना का एक समायोजित कार्यक्रम है और इन दोनों देशों की इसमें भागीदारी है। बात करें इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर, तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें चाइनीज डायलेक्ट कैंटोनेस मंदारिन और इंग्लिश देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या मैं इसे हिंदी में देख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश या चीनी आती नहीं है। तो दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप लोगों को इसके प्रीक्वल्स पार्ट जैसे कि आईपी मैन 1, आईपी मैन 2, आईपी मैन 3, आईपी मैन 4, आईपी मैन 5 भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिले थे, और जो आईपी मैन 6 होने वाली है ये मूवी भी आपको देखने को मिल, आईपी मैन 5 भी आपको देखने को मिलेगी। तब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों इस मूवी का बजट $50 मिलियन होने की आशंका है। तो वहीं बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये बॉक्स ऑफिस पर तेलगा करने वाली है, जैसा कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली 4 फिल्में कर चुकी है। और दोस्तों आईपी मैन का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, और यहाँ पे हम और आप दोनों को अंदाज़ा है कि अगर ये रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आराम से $500 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और सुपर डुपर हिट सिनेमा में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी को लेकर। दोस्तों आईपी मैन 5 में हांगकांग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया है, जिन्होंने रेमंड वोंग जो कि फिल्म के लेखक भी हैं और डोनी येन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है, जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह आईपी फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंड मास्टर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों हांगकांग और चीन के सहनिर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और जल्द इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी, और ये मूवी हमें हमारे नज़दीकी थिएटरों में देखने की मैन 5 मूवी के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मूवी से रिलेटेड लीक्स अपडेट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी से रिलेटेड और हर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके मन में है और आप जानने के लिए इस वीडियो पे आए। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं, और हम इस चैनल पर ऐसी नई नई मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विल्सन यिप। बात करें इस मूवी के यहाँ पर रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है एडमंड वोंग डाना फुकजावा ने।
बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है जिल यूंग लाइन, चान ताइली, डाना और एडमंड ने। मुहिम बात करें अगर हम इस मूवी के जो है यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल्सन यिप ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के प्रोड्यूस को लेकर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रेमंड वोंग, विल्सन यिप, डोनी येन और प्रिंसेटन लोक ने। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की, तो दोस्तों इस मूवी के मेन लीड में हमें डोनी येन देखने को मिलते हैं, जो कि आईपी मैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वहीं उनके साथ वू यूई, वाने सू, स्कॉट एडकिंस, केंट चेंग, डेनी चान, नगो कानिन आदि कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक को लेकर। इस मूवी को म्यूजिक दिया है केंजी कवाई ने। बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफ को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को सिनेमाटोग्राफ किया है चेंग स्यू क्यूंग ने। बात करें इस मूवी के एडिट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को एडिट किया है च्यूंग का फैन है। बात करें अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है मंदारिन मोशन पिक्चर्स और टिन टिन फिल्म प्रोडक्शंस। बात करें अगर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को वेल गो यूएसए, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इसे अमेरिका चीन के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी को रिलीज करेंगे। बात करते हैं इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी हांगकांग और चाइना का एक समायोजित कार्यक्रम है और इन दोनों देशों की इसमें भागीदारी है। बात करें इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर, तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें चाइनीज डायलेक्ट, कैंटोनेस, मंदारिन और इंग्लिश देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या मैं इसे हिंदी में देख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश या चीनी आती नहीं है। तो दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप लोगों को इसके प्रीक्वल्स पार्ट जैसे कि आईपी मैन 1, आईपी मैन 2, आईपी मैन 3, आईपी मैन 4, आईपी मैन 5 भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिले थे, और जो आईपी मैन 6 होने वाली है ये मूवी भी आपको देखने को मिल, आईपी मैन 5 भी आपको देखने को मिलेगी। तब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों इस मूवी का बजट $50 मिलियन होने की आशंका है। तो वहीं बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये बॉक्स ऑफिस पर तेलगा करने वाली है, जैसा कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली 4 फिल्में कर चुकी है। और दोस्तों आईपी मैन का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, और यहाँ पे हम और आप दोनों को अंदाजा है कि अगर ये रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आराम से $500 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और सुपर डुपर हिट सिनेमा में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी को लेकर। दोस्तों हैप्पी मैन 5 में हांगकांग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है, जिसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया है, जिन्होंने रेमंड वोंग, जो कि फिल्म के लेखक भी हैं, और डोनी येन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है, जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह आईपी फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है, जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंड मास्टर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों
हांगकांग और चीन के सहनिर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और जल्द इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी। और ये मूवी हमें हमारे नजदीकी थिएटर में देखने मैन पाइप मूवी के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मूवी से रिलेटेड लीक्स, अपडेट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी से रिलेटेड वो हर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके मन में है और आप जानने के लिए इस वीडियो पे आए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं और हम इस चैनल पर ऐसी नई नई मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विल्सन यिप। बात करें इस मूवी के यहाँ पर रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है एडमंड वोंग, डाना फुकजावा ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है जिल यूंग लाइन, चान ताइली, डाना और एडमंड ने। वहीं बात करें अगर हम इस मूवी के जो है यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल्सन यिप ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के प्रोड्यूस को लेकर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रेमंड वोंग, विल्सन यिप, डोनी येन और प्रिंसेटन लोक ने। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की, तो दोस्तों इस मूवी के मेन लीड में हमें डोनी येन देखने को मिलते हैं जो कि आईपी मैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वहीं उनके साथ वु युई, वाने सु, स्कॉट एडकिंस, केंट चेंग, डेनी चान, नगो कानिन आदि कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक को लेकर। इस मूवी को म्यूजिक दिया है केंजी कवाई ने। बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफ को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को सिनेमाटोग्राफ किया है चेंग स्यू क्यूंग ने। बात करें इस मूवी के एडिट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को एडिट किया है च्यूंग का फाई ने। बात करें अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है मंदारिन मोशन पिक्चर्स और टिन टिन फिल्म प्रोडक्शंस। बात करें अगर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को वेल गो यूएस है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इसे अमेरिका चीन के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी को रिलीज करेंगे। बात करते हैं इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी हांगकांग और चाइना का एक समायोजित कार्यक्रम है और इन दोनों देशों की इसमें भागीदारी है। बात करें इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर, तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें चाइनीज डायलेक्ट, कैंटोनेस, मंदारिन और इंग्लिश देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या मैं इसे हिंदी में देख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश या चीनी आती नहीं है। तो दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप लोगों को इसके प्रीक्वल्स पार्ट जैसे कि आईपी मैन 1, आईपी मैन 2, आईपी मैन 3, आईपी मैन 4, आईपी मैन 5 भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिले थे। और जो आईपी मैन 6 होने वाली है, ये मूवी भी आपको देखने को आईपी मैन 5 भी आपको देखने को मिलेगी। तब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों इस मूवी का बजट
$50 मिलियन होने की आशंका है। तो वही बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये बॉक्स ऑफिस पर तेलगा करने वाली है, जैसा कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली 4 फिल्में कर चुकी है। और दोस्तों आईपी मैन का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है और यहाँ पे हम और आप दोनों को अंदाजा है कि अगर ये रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आराम से $500 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और सुपर डुपर हिट सिनेमा में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी को लेकर। दोस्तों हैप्पी मैन 5 में हांगकांग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया है, जिन्होंने रेमंड वोंग जो कि फिल्म के लेखक भी हैं और डोनी यन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है, जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह आईपी फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंड मास्टर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों हांगकांग और चीन के सह निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और जल्द इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी और ये मूवी हमें हमारे नजदीकी थिएटरों में देखने की मैन पाइप मूवी के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मूवी से रिलेटेड लीक्स अपडेट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके मन में है और आप जानने के लिए इस वीडियो पे आए। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं और हम इस चैनल पर ऐसे नई नई मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विल्सन यिप। बात करें इस मूवी के यहाँ पे रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है एडमंड वोंग डाना फुकजावा ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है जिल यूंग लाइन चान ताइली डाना और एडमंड ने। वहीं बात करें अगर हम इस मूवी के जो है यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल्सन यिप ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के प्रोड्यूस को लेकर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रेमंड वोंग, विल्सन यिप, डोनी येन और प्रिंसेटन लोक ने। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की, तो दोस्तों इस मूवी के मेन लीड में हमें डोनी येन देखने को मिलते हैं जो कि आईपी मैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वहीं उनके साथ वु युई, वाने सु, स्कॉट एडकिंस, केंट चेंग, डेनी चान, नगो कानिन आदि कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक को लेकर। इस मूवी को म्यूजिक दिया है केंजी कवाय ने। बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफ को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को सिनेमाटोग्राफ किया है चेंग स्यू क्यूंग ने। बात करें इस मूवी के एडिट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को एडिट किया है च्यू का फैन है। बात करें अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है मंदारिन मोशन पिक्चर्स और टिन टिन फिल्म प्रोडक्शंस। बात करें अगर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को
वेल गो यूएस से, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि इसे अमेरिका चीन के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी को रिलीज करेंगे। बात करते हैं इस मूवी की, तो दोस्तों ये मूवी हांगकांग और चाइना का एक समायोजित कार्यक्रम है और इन दोनों देशों की इसमें भागीदारी है। बात करें इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर, तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें चाइनीज डायलेक्ट, कैंटोनेस, मंदारिन और इंग्लिश देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या मैं इसे हिंदी में देख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश या चीनी आती नहीं है। तो दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप लोगों को इसके प्रीक्वल्स पार्ट जैसे कि IP Man 1, IP Man 2, IP Man 3, IP Man 4, IP Man 5 भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिले थे, और जो IP Man 6 होने वाली है ये मूवी भी आपको देखने को मिल, IP Man 5 भी आपको देखने को मिलेगी। तब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों इस मूवी का बजट $50 मिलियन होने की आशंका है। तो वहीं बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर, तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये बॉक्स ऑफिस पर तेलगा करने वाली है, जैसा कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली 4 फिल्में कर चुकी है। और दोस्तों आईपी मैन का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है, और यहाँ पे हम और आप दोनों को अंदाज़ा है कि अगर ये रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आराम से $500 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और सुपर डुपर हिट सिनेमा में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी को लेकर। दोस्तों हैप्पी मैन 5 में हांगकांग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है, जिसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया है, जिन्होंने रेमंड वोंग जो कि फिल्म के लेखक भी हैं और डोनी यन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है, जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह आईपी फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है, जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंड मास्टर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों हांगकांग और चीन के सह निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और जल्द इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी, और ये मूवी हमें हमारे नज़दीकी थिएटरों में देखने की मैन पाइप मूवी के ऊपर। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस मूवी से रिलेटेड लीक्स, अपडेट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि आप जानना चाहते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इस मूवी से रिलेटेड और हर इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके मन में है और आप जानने के लिए इस वीडियो पर आए। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर से कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज हम लोगों को आप लोगों को देखने को मिलते रहते हैं, और हम इस चैनल पर ऐसे नई नई मूवीज लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी के कास्ट और क्रू को लेकर। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे विल्सन यिप। बात करें इस मूवी के यहाँ पर रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है एडमंड वोंग, डाना फुकजावा ने। बात करें इस मूवी के रिटर्न को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को रिटर्न किया है जिल युंग लाइन, चान ताइली, डाना और एडमंड ने। वहीं बात करें अगर हम इस मूवी के जो है यहाँ पे डायरेक्शन को लेकर, तो दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है विल्सन यिप ने। तो दोस्तों अब बात करते हैं
इस मूवी के प्रोड्यूस को लेकर। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है रेमंड वोंग, विल्सन इप, डोनी येन और प्रिंसेटन लोक ने। बात करें इस मूवी की स्टार कास्ट की तो दोस्तों इस मूवी के मेन लीड में हमें डोनी येन देखने को मिलते हैं जो कि आईपी मैन का कैरेक्टर प्ले करेंगे। तो वहीं उनके साथ वु युई, वानेसु, स्कॉट एडकिंस, केंट चेंग, डेनी चान, नगोका नीन आदि कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के म्यूजिक को लेकर। इस मूवी को म्यूजिक दिया है केंजी कवाय ने। बात करें इस मूवी के सिनेमाटोग्राफ को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को सिनेमाटोग्राफ किया है चेंग स्यू क्यूंग ने। बात करें इस मूवी के एडिट को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को एडिट किया है च्यूंग का फाय ने। बात करें अगर इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज को लेकर तो दोस्तों इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज है मंदारिन मोशन पिक्चर्स और टिन टिन फिल्म प्रोडक्शंस। बात करें अगर इस मूवी के डिस्ट्रीब्यूट को लेकर तो दोस्तों इस मूवी को वेल गो यूएसए जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के एक डिस्ट्रीब्यूटर है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि इसे अमेरिका चीन के साथ साथ वर्ल्ड वाइड भी इस मूवी को रिलीज करेंगे। बात करते हैं इस मूवी की तो दोस्तों ये मूवी हांगकांग और चाइना का एक समायोजित कार्यक्रम है और इन दोनों देशों की इसमें भागीदारी है। बात करें इस मूवी की ओरिजिनल लैंग्वेज को लेकर तो इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज हमें चाइनीज डायलेक्ट, कैंटोनेस, मंदारिन और इंग्लिश देखने को मिल जाती है। दोस्तों आपके मन में एक डाउट होगा कि क्या मैं इसे हिंदी में देख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो इंग्लिश या चीनी आती नहीं है। तो दोस्तों टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि ये मूवी आपको ऑफिशियली हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाती है। दोस्तों आप लोगों को इसके प्रीक्वल्स पार्ट जैसे कि आईपी मैन 1, आईपी मैन 2, आईपी मैन 3, आईपी मैन 4, आईपी मैन 5 भी ऑफिशियली हिंदी डब के साथ देखने को मिले थे और जो आईपी मैन 6 होने वाली है ये मूवी भी आपको देखने को मिल आईपी मैन 5 भी आपको देखने को मिलेगी। तब बात करते हैं इस मूवी के बजट को लेकर। दोस्तों इस मूवी का बजट $50 मिलियन होने की आशंका है। तो वहीं बात करें अगर इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर तो दोस्तों जैसा कि लोगों के बीच में इस मूवी की हाइप है और लोग इस मूवी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो यहाँ पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे ही ये मूवी सिनेमाघरों में रिलीज होगी ये बॉक्स ऑफिस पर तेलगा करने वाली है जैसा कि इस फ्रेंचाइजी की पिछली 4 फिल्में कर चुकी है। और दोस्तों आईपी मैन का कैरेक्टर एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है और यहाँ पे हम और आप दोनों को अंदाजा है कि अगर ये रिलीज होती है तो ये बॉक्स ऑफिस पर आराम से $500 मिलियन का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और सुपर डुपर हिट सिनेमा में साबित हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी को लेकर। दोस्तों हैप्पी मैन 5 में हांगकांग चीनी बायोग्राफिकल मार्शल आर्ट फिल्म है जिसका निर्देशन विल्सन यिप ने किया है जिन्होंने रेमंड वोंग जो कि फिल्म के लेखक भी हैं और डोनी येन के साथ मिलकर इसका निर्माण भी किया है जो शीर्षक चरित्र के रूप में भी अभिनय करते हैं। यह आईपी फिल्म श्रृंखला की 5वीं फिल्म है जो इसी नाम के विंग चुन ग्रैंड मास्टर के जीवन पर आधारित है। दोस्तों हांगकांग और चीन के सह निर्माण में बनी इस फिल्म का निर्माण अप्रैल 2022 में शुरू हुआ और जल्द इसकी शूटिंग खत्म हो जाएगी और ये मूवी हमें हमारे नज़दीकी थिएटरों में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आईपी मैन 5 आपको जल्दी देखने को मिलेगी। हमने आपको इस मूवी के बारे में सब कुछ बता दिया है जो कि आप जानना चाहते थे।
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और अपकमिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।